तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोडक्शन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि उनकी तमिलनाडु में स्थित ओला फ्यूचर फैक्ट्री पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाई जाएगी। कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ भाविश अग्रवाल का कहना है कि ओला ने देश के ऑटो मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर उतारने के बाद एक और बड़ी पहल की है। उनका कहना है कि तमिलनाडु के ओला इलेक्ट्रिक प्लांट को सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा और इसके लिए प्लांट में 10,000 से अधिक महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर महिलाओं की ज़रूरत है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यह सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया का एकमात्र मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर प्लांट होगा और महिलाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए और अधिक समावेश वर्कफोर्स बनाने के लिए ओला का अपनी तरफ से पहला प्रयास होगा। ओला ने कहा कि उसने इन महिलाओं को कोर मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। वे ओला फ्यूचर फैक्ट्री में बनाए जाने वाले सभी स्कूटर्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी। साथ ही फाउंडर अग्रवाल का ये भी कहना है कि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमें महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करने के साथ उनके स्किल्स को भी बेहतर बनाने पर जोर देना चाहिए और हम इस सप्ताह पहले बैच का स्वागत करेंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरि ज़िले में यह फैक्ट्री 500 एकड़ से अधिक में बनाई गई है और इस फ्यूचर फैक्ट्री में इतना फास्ट प्रोडक्शन किया जाएगा कि हर 2 सेकंड्स में एक स्कूटर स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि इसमें 10 प्रोडक्शन लाइनें पूरी क्षमता के साथ चल रही होंगी और यह फैक्ट्री 4.0 प्रिंसिपल पर आधारित होगी, जो कि 3,000 रोबोट्स के साथ काम करेगी और वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड टू व्हीलर फैक्ट्री होगी। और साथ ही इस फैक्ट्री में बैटरी से लेकर स्कूटर के सभी पार्ट्स को इन हाउस कंपनी में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी ओला का कहना है कि शुरुआत में कंपनी 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ईयर प्रोडक्शन करेगी और बाद में इसे डिमांड के हिसाब से 20 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ओला ने दावा किया कि पूरी तरह तैयार होने के बाद उसके प्लांट की क्षमता 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन पर ईयर होगी। इसी बीच ओला इलेक्ट्रिक 15 सितंबर से ओला S1 और ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑनलाइन सेल प्रोसेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछली बार इन्होंने अनाउंस किया था कि 8 सितंबर से स्कूटर की सेल ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इनको रोकना पड़ा था। इस बार भी इनकी परचेज लाइन पहले जैसी होंगी, वहीं डिलीवरी डेट भी पहले जैसी रहेगी। तो यार, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।